हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट झारखंड जीके का सेशन। तो इसमें स्पेशली हम लोग झारखंड जीके के बारे में डील करने वाले हैं, जो कि स्पेशली झारखंड टेट के एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। ये झारखंड टेट, झारखंड बीएड एग्जामिनेशन, या फिर झारखंड के होने वाले पंचायती राज एग्जामिनेशन, और फिर झारखंड के पीएससी या जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कनाडा डैम किस नदी पर स्थित है? आपको ये बताना है जो कनाडा डैम है वो किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन देखिए, ए मयूराक्षी नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी दामोदर नदी, और डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर लगाइएगा इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा डैम इज द राइट आंसर। कनाडा डैम मयूराक्षी नदी ऑप्शन ए पर स्थित है। तो आपको इसके बारे में बता दें, ये जो कनाडा डैम है इसे मसानजोर डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का बेताल राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? बेताल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ इज द राइट आंसर। बाघ इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? झारखंड की गंगा नदी झारखंड में किस जिले से गुजरती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन है, साहिबगंज, रांची, लातेहार और कोडरमा। आपको सही आंसर लगाना है। जी बिल्कुल, सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए साहिबगंज इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए साहिबगंज इसका सही आंसर है। ये झारखंड में जो गंगा नदी है एकमात्र साहिबगंज जिले से होकर गुजरी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए चतरा इज द राइट आंसर। चतरा इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, केवल झारखंड के लिए नहीं सभी विधानसभाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वो निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि कितनी है, यह निर्धारित अवधि कितनी है, आपको ये बताना है। कितने समय, मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर उसको राज्य विधानसभा का सदस्य बन जाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने है, 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष। सही आंसर लगाइएगा इसका। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह, 6 मंथ इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया झारखंड टेट में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये बहुत ईजी है, कॉमन क्वेश्चन है, झारखंड टेट में पूछा भी जा चुका है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, फटाफट आंसर लगाइए इसका। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ दोनों राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि झारखंड का राज्यपाल कौन है, आपको ये बताइए। जी बिल्कुल, झारखंड का राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, और झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो कौन है, हेमंत सोरेन है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? झारखंड में जो बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था, जिसे भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान से हम लोग जानते हैं, तो वो आंदोलन किस राज्य में हुआ था, मतलब किस राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था। तो ऑप्शन है, सही आंसर लगाइएगा फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए खूंटी इज द राइट आंसर। खूंटी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राज्य में जल संरक्षण के लिए डोब निर्माण शुरू किया गया, डोभा निर्माण जो झारखंड में जल संरक्षण के लिए शुरू किया गया वो किस वर्ष शुरू किया गया था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 2011, 2013, 2016 और 2018, इसका सही आंसर लगाइएगा। उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 2016 इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो झारखंड के किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गिरिडीह। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो पारसनाथ की पहाड़ी में है वहाँ गिरिडीह में स्थित ये पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। ये भगवान पारसनाथ जो जैन धर्म के
अंतिम से पहले तीर्थंकर थे, मतलब महावीर से पहले तीर्थंकर थे, इनके तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और काफ़ी अच्छा ये तीर्थ करने का जगह है, पर्यटन स्थल है, लोग काफ़ी संख्या में जाते हैं। आप कभी जाइए तो घूम के आइए, काफ़ी अच्छा लगेगा ये जगह। तो चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में, आपको बताना है। तो जी बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉलिस पार्क झारखंड के किस जिला में स्थित है? फॉलिस पार्क झारखंड के किस जिला में स्थित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए फटाफट, इसका आंसर लगाइए। तो किस जिले में स्थित है? ये सारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये स्पेशली झारखंड टेट और झारखंड में आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेपीएससी या फिर झारखंड पीएससी, राज्य पंचायत स्तरीय एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर लगाइएगा इसका फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साहिबगंज इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए साहिबगंज इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्षारोपण का जो न्यूनतम सीमा मतलब एरिया है वो कितना है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है जी, बिल्कुल ऑप्शन ए 1 एकड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से, रिपीटेडली जो एग्जाम टेट में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या है? झारखंड की समस्याओं के निराकरण हेतु जो संस्था गठित की गई है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, आदिवासी महासभा इज द राइट आंसर, आदिवासी महासभा इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई? सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 1970, 1952, 1966 और 1982, इसको आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1970, 1970 इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, झारखंड में किस राज्य किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है? सेंट्रल फ्यूल रिसर्च सेंटर कहाँ है झारखंड में, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए लातेहार, बी हजारीबाग, सी रांची और डी जमशेदपुर, सही आंसर लगाइएगा। सॉरी ऑप्शन ए जलगोड़ा है, तो सही आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए जलगोड़ा इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 1968 इज द राइट आंसर, 1968 इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेडली हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर दो तीन एग्जाम में, दो तीन एग्जाम के अंदर रिपीटेडली पूछ लिया जाता है कि झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए 61%, बी 63%, सी 66% और डी 69%, आपको सही आंसर लगाना है। 66% सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है, बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट है, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? घाटशिला का जो महल था वहां पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है घाटशिला का महल, तो वहां पे अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या है, 1767, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख नदी का उद्गम कहाँ है? संख नदी का उद्गम कहाँ है ये आपको बताना है। गुमला, दुमका, लातेहार, कोडरमा, सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए गुमला इज द राइट आंसर, गुमला इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? बिरसा मुंडल ने जो धार्मिक आंदोलन किया था उसके सामाजिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया था, ये आपको बताना है। सही आंसर लगाइएगा जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए सोमा मुंडा इज द राइट आंसर, सोमा मुंडा इसका सही आंसर है। तो ये था इंपॉर्टेंट आज का सेशन, बहुत ही टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन था उसका कलेक्शन किया और उसे मैंने आपको बता दिया बहुत ही इजी वे में, अब पूरे डिटेल्स के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो रेगुलरली आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए, जितना आप शेयर करेंगे
मुझे कंटेंट बनाने में उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो इसीलिए शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।